छल कपट दरअसल ये हमारे पास सदियों से चला हुआ आ रहा है हमारी पीढ़ियों में, और चाहे वो द्वापर युग ले लो, त्रेता युग ले लो, कोई सा युग भी ले लो, तो छल कपट का दौर चलता हुआ आ रहा है। उसी प्रकार जो आज जो मैं कहानी लेकर आ रहा हूँ, किस तरीके से एड़ी देवता के साथ छल करा गया और किस तरीके से उनको छल में किस तरीके से उनको मारने का प्रयास करा गया और किस तरीके से वो देव आत्मा में प्रकट हुए और अपने राज्य को बचाया, तो उसकी सारी कहानी आज आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से डालना चाह रहा हूँ। ये जागर और लोक कथाओं के अनुसार है, क्योंकि हर क्षेत्र में हर 100 कदम पर देवता बदल जाता है और उनकी कहानियाँ बदल जाती हैं। इसी प्रकार से यदि किसी भाई के पास भी एड़ी देवता की कोई सच्ची कहानी और प्रमाणित वाली ऐसी लोक कथाओं के आधार पर जो आज के तौर पर हम अपने भाई और सगे बंधु के पास भेज सके, यदि किसी के पास भी अगर एड़ी बाबा की कोई ऐसी सच्ची कहानी है आप मेरे चैनल के माध्यम से लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर भेज सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनिशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हर हर महादेव। जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहें। मैं हेम आपके अपने खुद के चैनल में स्वागत करता हूं। यह चैनल आपका अपना चैनल है, इसे लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं और जहां जहां तक हो सके भेजें। और यदि आप लोगों को लगता है, देखो एक कहानी सुनी आपने अच्छी नहीं लगी, दूसरी कहानी सुनी, हो सकता है आप जब 2-3 कहानी सुनोगे क्या पता आपका दिल लग जाए, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि यार हेम बोल रहा है तो कर दो, नहीं। आपको लगता है कि यार हाँ, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति एक नई दिशा में जा रही है, जो समझदार लोग हैं तो वो मेरे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और इस कार्य में मेरा साथ भी दे सकते हैं अपने घर बैठे बैठे। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए सीधा कहानी पर आते हैं आज की। दोस्तों, जो आज की जो कहानी मैं लेकर आ रहा हूँ आपको, बैन धुरा एड़ी बाबा की कहानी है। किस तरीके से एड़ी बाबा हमारे नेपाल से भारत में आए और अपने भारत में पूरे कुमाऊँ में एड़ी बाबा की अलग अलग जगहों पर अलग अलग कथा है और कई जगहों पर इनके मंदिर स्थापित हैं, और उसमें से जो मुख्य मंदिर बोला जाता है तो बैन धुरा एड़ी बाबा जी का बोला जाता है। और बाबा जी यहाँ पर बाबा के रूप में भी पूजे जाते हैं कई स्थानों पर, और कई स्थानों पर यहाँ पर जो बाबा का जो एड़ी बाबा का जो नाम रखा गया है यहाँ पर एड़ी बाबा बोलते हैं, बैन धुरा बाबा एड़ी बाबा के नाम से प्रसिद्ध है। और ठीक सामने गुरु गोरखनाथ जी की धुनी है और अमर धुनी, और वो धुनी लगातार जलते रहती है, तो गुरु गोरखनाथ जी का आशीर्वाद भी हमेशा बन रहता है। तो दोस्तों, मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधा कहानी पर आता हूँ, बाद में मंदिर की विशेषताएँ बाद में रखूँगा। दरअसल मैं शॉर्ट में इसका प्रयास करूँगा कि आप लोगों के पास कम सेकंड में अच्छी जानकारी आप लोगों के पास आ जाए। दरअसल हमारे जितने भी देवी देवता आए हुए हैं, चाहे कोई से भी देवता हमारे ले लो उत्तराखंड से, तो वो नेपाल से ही भारत में आए हैं, जो मुख्य मुख्य देवता आए हुए हैं। तो उसी में कि आज की जो कहानी है एड़ी बाबा की भी है। दरअसल एड़ी बाबा और का 22 भाई एड़ी थे, तो इनका एक छत्र राज था वहाँ नेपाल में, डोटी में का अपना राजपाट था, जो वर्तमान समय में नेपाल बोला जाता है, एक अलग स्टेट है। वहाँ पर 22 भाई एड़ियों का राज था और इनके राज्य में कोई जैसे राम राज्य है वैसे इनका राज्य बोला जाता था। भूखे को रोटी जरूर मिलनी चाहिए, 9 लाख घोड़े हो गए, गौशाला हो गई, और कई महलों के दरवाजे ऐसे थे जो गुप्त दरवाजे थे, और कई राज्यों में आने के जाने के हर संभव वो प्रयास करा था 22 भाई एड़ियों ने। अपने राज्य को इस तरीके से बनाया था कि राज्य में कहीं पर छल कपट और कोई भी ऐसी चीज़ नाम की कोई चीज़ ना हो, छल कपट नाम का। तो अच्छे से लोग जी रहे थे और अपना खा रहे थे, पी रहे थे, मतलब पूरे राज्य में जय जयकार हो रही थी। बोला जाता है जब कुपित विचार और अपिष्ट विचार आते हैं तो कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, और उसके बाद भगवान को जब कोई चीज़ करानी होती है तो किसी के ना किसी के माध्यम से होना होता है, और होनी को तो करनी को तो एक बहाना चाहिए। जैसे राम जी का राज्य अभिषेक होना था, तो
तो सुबह केकई को क्या चाहिए था, एक मतलब केकई एक माध्यम बनी उस लीला को पूरा करने, क्योंकि राम जी ने तो रावण को मारना था। तो उसी तरह से बहुत पांडवों ने जब खेल चला सारा, द्रौपदी तो एक माध्यम था, लीला तो कुछ और ही चलनी थी, शकुनी आना था, सह माने थे, सब इस टाइप से ये लीला चलती है। तो उसी प्रकार 22 भाई एड़ियों का जब एक छत्र राज चल रहा था पूरे डोटीगढ़ में, 900,000 डोटीगढ़ पूरे इनने अपना स्थापित करे हुए थे और राज्य में पूरा सुख शांति चल रही थी। तो बोला जाता है जब एड़ी भाई जो सबसे बड़े भाई थे एड़ी, जब वो अपना फैसला देते थे तो उनका फैसला कोई नहीं काटता था और गौ सेवा करने के लिए हर हमेशा तत्पर रहते थे कि गायों की सेवा करनी है, गायों का ध्यान करना है। तो इसी प्रकार से एड़ी बाबा लगातार मेहनत करा करते थे, अपने कार्य को समर्पित करते थे। उसके बाद क्या हुआ, लगातार ये विरोध चलता रहा, सारी चीज़ चलती रही एड़ी बाबा की। जो इनके पुरोहित थे, राज पुरोहित थे, जो दर पीढ़ी दर पीलम इनके कुल में पंडितचारी का कार्य करते हुए आ रहे थे, तो उनके साथ किसी कार्य में इनकी तुलना बोलो या बहस बोलो या कुछ भी ऐसे, क्योंकि पुरोहितों के साथ अधिकतर तू मैं हो जाती थी, कभी कभार अक्सर नहीं होती थी, लेकिन बोलते ना पंडित ही बनाने वाला होता, पंडित ही बिगाड़ने वाला होता है। तो वैसी इनके पंडित के साथ जब वो हुई तो कोई पंडित अच्छे भी होते हैं, कोई पंडित बुरे भी होते हैं। तो इनके जो पंडित जी थे उनने क्या करा, पंडित जी का नाम मैं डाल रहा हूँ इसमें, केसरिया पंडित जी जो थे, तो उनने क्या करा, इनके 22 भाई एड़ियों के और उनके राज्य में जो भी थे उनमें क्या कर दिया, विष मिला दिया खाने में। तो जितने भी थे ये क्या हुए, सब अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो ये सारे के सारे मर गए बोला जाता है। उसके बाद जो बड़े भाई थे बोला जाता, उनमें देव आत्मा प्रकट हो गई उनके अंदर। जब देव आत्मा प्रकट हो गई, उनने क्या करा, देव आत्मा ने किसी वैद्य के पास गए, वैद्य के पास जाने के बाद उनसे बोला कि तुम उधर आओ और ऐसा ऐसा है, हमारा राज्य डोटी राज्य खतरे में है और आप हमारे राज्य में हमें लोगों को बचाओ। तो वैद्य जी जब आए तो वैद्य जी ने तुरंत, उस टाइम पर आयुर्वेदिक दवाइयाँ ऐसी होती थी, हर चीज़ का तोड़ रहता था। तो उसी प्रकार 22 भाई एड़ी के पास भी इनकी दवाइयाँ वगैरह वेद वगैरह करा उनने, तो 22 भाई क्या हुए, एड़ी अपने सक्षम हो गए। और उसी दिन से जब इनने बोला जाता है दूसरी जब जिंदगी इनको प्राप्त हुई तो इन्होंने क्या करा, संन्यास ले लिया, संन्यास ले लिया। तो ये नेपाल राज्य को छोड़ के कहाँ आ गए, ये भारत राज्य में प्रवेश कर दिया इन लोगों ने। और जब भारत राज्य में प्रवेश करा तो उस टाइम पर बोला जाता है यहाँ पर किनका शासन था, मुगलों का शासन था भारत में, क्योंकि मुगलों ने पूरे भारत को अपने बस में कर लिया था। तो उस टाइम पर एड़ी बाबा वो लोगों ने कई युद्ध भी करे और कुमाऊं क्षेत्र में मतलब एक छत्र राज मुगलों का नहीं होने दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अपने कथन से, ये मतलब वहाँ पर के लोग और ये जो मेरे पर कहानी आई है कहानी के माध्यम से, दरअसल ये जो कहानी देखी भेजी है मेरे को, उनने अपना नाम लुप्त करने के लिए भेज बुला है ये कहानी। देखो आप लोग कोई भी चीज़ के लिए मुझसे जिद कर दो कि यार ये कहानी मेरे को दे दो, थोड़ा आप प्रयास करो तो थोड़ा मैं प्रयास करूँगा, तब जाके हम एक क्षेत्र पर करते। ये आप लोगों की सरासर अन्याय है कि आप लोग बोल देते हो कि हेम भाई आप हमें ये कहानी दो, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे मैं भी अनभिज्ञ होता हूँ, क्योंकि उत्तराखंड की संस्कृति इतनी बड़ी है कि हम भी सक्षम नहीं हैं उसमें। हाँ अगर आप 10% अगर आप चलोगे तो मैं आप लोगों को वचन देता हूँ 30% मैं भी चलने की क्षमता रखता हूँ। तो आप लोगों को भी इस चार्ज में हेल्प करने पड़ेगी, तब जाके हम अपने देवताओं का प्रचार कर सकें। तो उसी प्रकार से भाई साहब ने मेरी हेल्प करी और तब जाके मैं आप लोगों के पास ये कहानी लेकर आ रहा हूँ। जब एक छत्र उत्तराखंड में मुगलों का कम हुआ और 22 भाई मतलब जो एड़ी थे, तो एड़ी
जगह जगह इनके मंदिर भी अपने अपने राज्य में फैलते रहे, अलग अलग फैलते रहे, तो इनने हर जगह मतलब रखी कुमाऊँ की रक्षा करी। उसके बाद क्या हुआ, जो बैनधुरा में जो एड़ी बाबा का जो मंदिर बना, तो यहाँ पर लोगों की ऐसी आस्था है, बोला जाता है आज भी यहाँ पर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं जिनके 60-60 साल की उम्र में औलाद का खाब देखते देखते इनकी औलाद नहीं हुई, तो वो इस मंदिर में आके, बोला जाता है जो एड़ी बाबा का यहाँ पर न्याय दरबार और अर्जी जो लगाते हैं तो उनको 60-60 साल की उम्र में यहाँ से पुत्र की प्राप्ति हुई है, ऐसा मंदिर है एड़ी बाबा का यहाँ पर बैनधुरा। और आप लोगों को यहाँ पर जो बोला जाता है एड़ी बाबा का, ऐसा बोला जाता मंदिर में, इस मंदिर में कि देवताओं का यहाँ पर कोर्ट लगता है सांसद, और यहाँ पर एड़ी बाबा को बड़े बड़े धनुष बाण कृपाण और ऐसी सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। आज भी बोला जाता है एड़ी बाबा को अर्जुन, महाभारत के अर्जुन से कैंपर कराया जाता, उन्हीं का अवतार बोला जाता है एड़ी बाबा को, और जो धनुष बाण कृपाण वगैरह जो भी चढ़ते हैं तो एड़ी बाबा को आज भी वही स्वरूप में चलते हैं अर्जुन वाले। एड़ी बाबा की और भी बहुत सारी चमत्कारी शक्ति हैं, लेकिन आज की कहानी इतना ही रखना चाहूँगा। और यदि किसी भाई को एड़ी बाबा की और कोई कहानियाँ अगर ऐसी कोई कहानियाँ पता है तो वो मेरे चैनल के माध्यम से साझा करना चाहता है, तो आप मुझे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम कहीं पर भी आप मुझे भेज सकते हो, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करूँगा। थोड़ा लेट होती है, अवेयर नहीं होती, क्योंकि कहानी लाने में, दरअसल ये कहानी जब भी मुझे जिस भाई ने भेजी थी आज 3 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद थोड़ा लेट हो जाती है, लेकिन आपका धैर्य और सक्षम को मैं सलूट करता हूँ कि आप लोग लगातार बने रहते हैं और मेरे साथ, और ऐसी कहानियाँ जानने के लिए आप लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग मुझे इतना प्यार और संस्कार देते हैं। बहुत सारे भाई लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लगातार प्रयास हो रहा रहता है इन लोगों का। अब भाई लोग, जैसे कुछ भाई लोग बोल लेते हैं कि यार गोयल देवता के बारे में बोल लेते हैं कि यार गोयल देवता ऐसे होते हैं, मतलब हमारे कुमाऊँ में ये नीति होते हैं और हमें नहीं मानना चाहिए कोई इतिहास पारंपरिक वगैरह नहीं। देखो मैं आप लोगों को इतना बोलना चाहूँगा, आपको बड़े भाई हमारी तरफ से चैनल के माध्यम से, देखो हमारा किसी पर प्रेशराइज नहीं है कि आप मानो, हमने कभी किसी, देखो बहुत सारे लोग होते हैं कि महादेव को नहीं मानते, बहुत सारे लोग होते हैं कृष्ण भगवान को नहीं मानते, बहुत सारे लोग होते हैं इनको नहीं मानते, लेकिन हम भगत सिंह को मानते हैं, सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं, जिनने हमारे संविधान लिखा है, सारी चीज़ को लिखा है, क्योंकि हमारे पास इनके प्रमाण वगैरह मिल जाते हैं। वैसे उससे पहले जो हमारे कुमाऊँ वाले और हमारे जो दादा परदादाओं की अगर किसी ने रक्षा करी है तो वो किन्ने करी है, वो गोयल देवता और ने करी है, और ये देवतुल्य में ऐसे नहीं आए हैं कोई बोल दे कि हवा में देवतुल्य में आ गए, क्योंकि इनने क्या करे, चमत्कार दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे चमत्कार करें आप देख सकते हो, क्योंकि इनके जन्म, क्योंकि कोई भी किसी की कथाएं ऐसे नहीं गाते हैं, चमत्कार करे होते हैं तभी जाके कोई गाते हैं। आज भी उत्तराखंड की जो मैं कहानियां मेरे पास आती हैं, सबसे ज़्यादा गोयल देवता की कहानी आती है, ऐसे नहीं कि हेमचू पहाड़ी अपने मन से सुना रहा है कोई भी कहानी, कभी नहीं, देवताओं की कहानी अपने मन से कभी नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ये कहानियां कुमाऊँ से मेरे पास आ रही हैं तब जाके मैं आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। आप अगर अपने दादा को नहीं मानते हो या परदादा को नहीं मानते हो तो वो आपकी मर्जी है, मानो या मत मानो, वैसे आपके दादा परदादाओं ने इनको माना हुआ है, हमारे कुल में से ये चले हुए आ रहे हैं। देखो हम अगर कुलघाती हैं तो इसके लिए हम किसी और को दोष नहीं कर सकते, कुलघाती मतलब यही होता है कि जो अपने कुल को ना समझे, अपने कुल का उद्धार ना करे, वो कुलघाती होता है। तो हमारे उसमें जो हमारे पूर्वजों को और जो हमारे आज, जैसे हम गांधी जी के बारे में या भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो देश तुम्हें नहीं छोड़ेगा, क्योंकि डर के मारे तुम्हें अच्छा बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम भगवानों के बारे में बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे देश, उससे देश हमें कुछ नहीं बोलेगा। तो यही कहानी मेरी, आप लोगों को समझो इस चीज़ को कि हमारे जो उत्तराखंड की जो वीर गाथाओं की जो कहानी है वो देवतुल्य में इसलिए रखी हुई है क्योंकि उनने हमारे पूर्वजों को बचाने के लिए अपनी जान पर खेला है। जब उस रात को याद करो, जब किसी के पास खाने को ना हो, जब किसी को पीने को ना हो, हमारी बहन बेटियों को जब उठा के ले जाया जा रहा था, उस टाइम पर कौन बचाने आता था,
तो यही देव, यही वीर पुरुष जो हमारे हैं, यही बचाने आते थे। और आज भी तुम धरती आकाश पाताल सब घूम लेना, और अगर गोल देवता तुम्हारे घर में हो तो तुम्हें फर्क वहीं से मिलेगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपको मेरे बातों का, आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिला होगा। और यदि लगता है कि आपको कि यार हेम भाई ने हमें संतुष्ट नहीं कराया, तो आप मेरे से फेसबुक पर आ जाना, मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा। और आपके प्रश्नों का उत्तर, ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर इसमें नहीं दे सकता हूँ कि आपको प्रश्नों का उत्तर ना दूँ, मैं सब बात का आपको उत्तर दूंगा और यहीं से आपका समाधान भी करूँगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए अपनी कहानी को विराम देता हूँ। और यदि कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद।